हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 20। नाउ कम इन वर्कशीट, लुक इट हियर, फाइंड द प्रोडक्ट। मींस यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ आपका हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 75 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट ये बहुत इजी वे है जो मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीप्लाई करने का। अदरवाइज अगर आप इस दूसरे वाले मेथड से करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। जब आप 75 को सबसे पहले आप 2 मिनट के लिए जीरो हाइड करेंगे, देन आपको यहाँ दिख रहा है कि 75 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 75। आपको पता है कि जब हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मिलता है। तो आप ये डायरेक्टली करेंगे, 75 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 और ये जीरो हम एज इट इज़ हमारे आंसर में ऐड कर देंगे, लाइक पुट कर देंगे। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया देन मल्टीप्लाई 10। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 75 और जो जीरो है वो एज इट इज़ हम यहाँ इस तरह से पुट कर देंगे। इसी तरह से 60 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मेथड है। सबसे पहले आप ये जो डबल जीरो इनको हाइड कर लीजिए। 60 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 60 और जो डबल जीरो आपके जो है वो आप इस तरह से एज इट इज़ अपने आंसर में पुट कर देंगे। देन 57 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से आपको करना है, सबसे पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन जो आपका आंसर आएगा उसमें आप इस तरह से, हमने यहाँ 10 इसलिए लिया क्योंकि 1 ही 0 है तो 1 0 के लिए आप 10 लेंगे। जब 57 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 114 और ये 0 एज इट इज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपके जो सारे क्वेश्चन है वो सेम मेथड से होंगे। कम ऑन एक्सरसाइज 21, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम इस तरह से पहले भी कर चुके हैं, आप देखिए किस तरह से आपको ये करना है। आपको देखना है कि कौन से डिजिट यहाँ मिस है। यहाँ लिखा हुआ 18 मल्टीप्लाई बाय और फिर ब्लैंक दे रखा है आपको 23 मल्टीप्लाई 18। आपको ये देखना है, दोनों तरफ देखना है कि कौन से डिजिट जो है वो एक साइड मिसिंग है। तो आप देख रहे हैं 18 जो है वो दोनों साइड है पर जो 23 है वो सिर्फ वन साइड है। तो उसका मतलब इधर वाला जो ब्लैंक है इसमें 23 ही आएगा। सेम पैटर्न यहाँ पे है, आपको बोथ साइड्स देखना है कौन सी तरफ कौन जो डिजिट मिस है आपको वही की वही फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट 7। आपको यहाँ पे 183 दे रखा है और ब्लैंक दे रखा है और आपका जो आंसर है वो भी 183 ही है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि 183 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका आंसर वापस 183 आ जाए। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम 1 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1। सो नेक्स्ट इज 0 मल्टीप्लाई 263। ये भी आपको पता है कि जब आप 0 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं वो चाहे कितनी ही भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो आपका आंसर 0 ही आता है। वन मोर एग्जांपल इज लुक एट हियर। आपको यहाँ पे भी यही देखना है, दोनों तरफ देखना है, जो डिजिट मिस होगी आपको वही राइट करना है। लुक एट हियर 589। तो आप इधर देखेंगे 5 दे रखा है 9 दे रखा है देन कौन सा डिजिट मिस है, 8। तो इस तरह से आपको देखना है और फिल करना है कि कौन सा डिजिट किसमें मिस है, आपको वही डिजिट आइडेंटिफाई करनी है और देन फिर उसे राइट करना है। सो ये आपकी एक्सरसाइज 21 है, ये हमने वर्कशीट में भी की है। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 22। स्टूडेंट एक्सरसाइज 22 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। सो आप वर्कशीट में आ जाइए। आप 22 में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बहुत सारे हैं पर हम वर्कशीट में थोड़े से ही लेंगे। तो जो रेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके अच्छे से आपको अच्छे से ये आ सके कि मल्टीप्लिकेशन जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कैसे होती है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, मैंने सारी एक्सरसाइज ली है पर अब जो लास्ट जो बहुत सारी एक्सरसाइज में आ रही है तो मैंने जो 4 एक्सरसाइज है लाइक 22 से 25 उनको एक साथ ही मर्ज कर दिया है। मतलब हम 22 से 25 की जो भी एक्सरसाइज है उसको मैंने एक ही पोर्शन में ले लिया है। नाउ कम इन वर्ड प्रॉब्लम। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज़ ₹5। वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 सच बॉल पेन्स। मतलब एक जो बॉल पेन है वो 5 रुपीज़ का आता है। तो आपको बताने हैं कि 8 जो बॉल पेन्स होंगे वो कितने रुपीज़ के आएंगे। सो आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ वर्ड्स भी लिखने हैं। कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज़ 5 रुपीज़। तो आपको 8 की निकालनी है तो आप कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 सच बॉल पेन्स इज इक्वल्स टू, आपको ₹5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। आपको बताना है 5 8 से कितने होते हैं, 40। तो आपकी जो आंसर है वो आ गया कि जो 8 बॉल पेन्स हैं वो 40 रुपीज़ के होंगे। नाउ नेक्स्ट
A basket contain 135 apples. How many apples are there in 20 such baskets? A basket contain, आपका आंसर होगा, आप यहाँ से ही नोट करके इसे लिखेंगे, राइट करेंगे. A basket contain 130 apples. 135. A basket contain 130 apples. Apples are there in 20 such baskets. तो 130 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है. मैंने अभी आपको शॉर्ट मेथड सिखाया था, आपको लॉन्ग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं. आप ज़ीरो जो है वो साइड में रख दीजिए. कितने ज़ीरो हैं? 20 है, इसका मतलब आपको 100 साइड में मल्टीप्लाई करना है. और आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 13 × 2. अब आपको 13 की टेबल आपने लर्न की है, सो आपको अगर आती होगी 13 की टेबल, देन आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं. 13 × 2 = 26. और अगर आप इसमें 100 जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ 00 ही पुट करने हैं. तो आप देखिए कि कितना बड़ा जो मल्टीप्लाई है वो कितने शॉर्ट में और कम वक्त में ही हो गया है इस मेथड से. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वन बास्केट ऑफ टोमेटोज कंटेन 268 टोमेटोज. हाउ मैनी टोमेटोज डू 36 सच बास्केट कंटेन. एक बास्केट में इतने टोमेटोज हैं, कितने टोमेटोज आते हैं? 268. आपको ये बताने कि 36 बास्केट में कितने टोमेटोज आ सकते हैं. तो आपको इसको इस तरह से करना है, 268 को आपको मल्टीप्लाई करना है 36 से. स्टूडेंट्स आप देख लीजिए आपको किस तरह से राइट करना है. सबसे पहले आपको 268 लिखना है, फिर आपको जो 36 है वो आपको इस तरह से राइट करना है. 8 के नीचे 6 एंड 6 के नीचे 3, और जो यहाँ पे थर्ड वाली है इसके नीचे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है. अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको 68 ज़ा बोलना है टेबल. 68 ज़ा होता है 48, तो 48 का आपको 8 यहाँ राइट करना है और 4 कैरी. नाउ 66 ज़ा 36. 36 में जब आप 4 ऐड करते हैं देन वी गेट 40. 40 का 0 आप यहाँ राइट करेंगे, देन कैरी फॉरवर्ड हेयर. 6 × 2 = 12. जब आप 12 में 4 ऐड करते हैं देन वी गेट 16. स्टूडेंट जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप जब सेकंड डिजिट का लिखने वाले होते हैं, तो उससे पहले आपको यहाँ एक क्रॉस लगाना होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है. अब जब आप सेकंड डिजिट के लिए ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, उससे पहले आप यहाँ क्रॉस लगाएंगे. नाउ 3 × 8 = 24. 24 का 4 आप यहाँ राइट करेंगे, देन 2 कैरी. 3 × 6 = 18. 18 में जब आप 2 ऐड करेंगे देन वी गेट 20. 20 का आप 0 यहाँ राइट करेंगे, देन 2 कैरी. 3 × 2 = 6. 6 में जब आप 2 ऐड करेंगे देन वी गेट 8. अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको ऐड करना है. ऐड करेंगे 8 में, नीचे आपके पास कोई डिजिट नहीं है, तो 8 जो है वो एज इट इज ही आएगा. आप 0 में 4 ऐड करेंगे देन आपके पास 4 आएगा. 6 में जब आप 0 ऐड करेंगे देन वी गेट 6. और 8 में जब आप 1 ऐड करेंगे देन वी गेट 9. सो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग वाला है, थोड़ा डिफरेंट है, आपको समझ आया? आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए. सो आपका जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट होता है. जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो आपका पोर्शन है मैथ्स में, वो आप कंप्लीट होता है. आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए. वी विल सेंड दिस वर्कशीट. आपको वर्कशीट और वीडियो सेंड कर दी जाएगी इस चैप्टर की. ओके बाय स्टूडेंट्स.